डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। तो वीडियो का प्रारंभ करते हैं सिंगल लौंडों की दुख से। देखो भाई, मुझे बहुत दुख है कि सिंगल हैं, पर मुझे आशा भी है कि एक दिन मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। भले ही दूसरे नेशन में मिले, पर मिलेगी। भले ही दूसरे नेशन का नाम इमेजिनेशन हो, पर मिलेगी। पर दूसरे नेशन से याद आया, हमारा पड़ोसी देश चीन, वहाँ की साइड लेने वाले भारत में बहुत है। ये वो लोग हैं जो पैदा सुनील के घर में होते हैं पर अशोक को पापा कहते हैं। सुनील बाबू, नो सुनील बाबू। ये वो लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिखते हैं, नॉट माय प्रेसिडेंट। अबे वो तेरा था भी नहीं, तेरा रामनाथ कोविंद था। ये वो लोग हैं जो हर वर्ल्ड कप में कहते हैं, दिस टाइम इट्स कमिंग होम। एंड आई बी लाइक, क्या भाई, चांदनी चौक में आ रहा है क्या वर्ल्ड कप? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मैं आजकल आटे को भी लीटर में तोड़ रहा हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने चीन को बूस्ट देते हुए बोला, चीनी हमारे जवानों को पीट रहे हैं। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। तेरी माँ देख के आई थी या तेरा बाप? मैंने कुछ नहीं बोला भाई साहब, आकाशवाणी है, मुझे नहीं पता किसने बोला। अब भाई इस पे सबने अपने अपने तरीके से रिएक्शन दिया। The word पिटाई should not be used for our जवान सर। कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते। मनोज मुंतशिर साहब ने भी रिएक्शन दिया, और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का ये कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे करता है कोई? पिट गए हमारे सैनिक, पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मनोज मुंतशिर के इस बयान पर बवाल कट गया। अब भाई देश के जवानों को जो अपना बलिदान देते हैं उनके बारे में कुछ भी बकना दिवालियापन नहीं है, परंतु राहुल गांधी सोनिया गांधी के बारे में इतना सा बकना। मनोज मुंतशिर का बयान अत्यंत दुराग्रहपूर्ण है, राजनीति से प्रेरित है और उनके दिमागी दिवालियापन को दर्शाता है। तो इसी बात पे एक शेर याद आया है, रोज सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, दुनिया करती है पीछे से पर ये तो मुंह से बोलता है। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने देश को बताया कि नहीं, अरुणाचल का कोई भी हिस्सा चीन ने कैप्चर नहीं किया है। वहां के लोकल लोगों ने भी बताया कि नहीं, चीन तो पिट रहा था, भारतीय आर्मी ने चीन को पेला है। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था। राहुल गांधी ने बयान दिया है तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, उल्टा मतलब हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तावांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। और ये झड़पे वहाँ पे आमे वहाँ की पुरानी जो वीडियो थी वो वायरल हो गई। पर वीडियो यदि पुरानी भी है तो उसमें भी सीधे रूप से समझ में आ रहा है कि चीनी कितने पीटे गए थे। पर राहुल गांधी जी को कौन समझाए, और उनको तो कुछ अलग ही लगता है। देश में बहुत सारे लोगों द्वारा इस प्रकार के अनेकों कमेंट्स दिए गए हैं जो कि भारतीय सेना के विरुद्ध हैं, परंतु चीन से कुछ अलग ही लगाव रहा है भारत के इस एक पक्ष को। औरों पे करम, अपनों पे सितम करने वाले ये पक्ष कोरोना की वैक्सीन से लेकर भारत चीन की लड़ाई तक, मोबाइल से लेकर चड्डी तक, सब चाइना सब चाइना सब चाइना सब चाइना करते रहते हैं। तो आज इसी पे बात करते हैं द वोक शो में। गौर से देखो इस चेहरे को, इस भाई साहब का नाम है एनडी मुखर्जी। ये ब्लूमबर्ग के राइटर हैं। इसकी एक स्पेशलिटी है, ये जिस चीज पे आर्टिकल लिख दे, मतलब जिस चीज पे आर्टिकल लिख दे, भगवान कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो इसने लिखा है एक साल के अंदर अंदर ठीक उसका उल्टा हो जाता है। मतलब भाई ने लिख दिया कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी तगड़ी चल रही है, इतनी तगड़ी चल रही है कि अब भारत उसके सामने टिका ही नहीं पाएगा। और इसके आर्टिकल लिखने के बाद बाकियों ने भी इसी प्रकार के आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कारण बताया कि बांग्लादेश ने कैसे भारत को पीछे छोड़ दिया है। इन भैया जी ने भी बांग्लादेश को भारत से आगे बता दिया।
भाई साहब इतना जहर फैल चुका था कि पड़ोस के छुट्टन अंकल भी कहने लगे आप दुकान बांग्लादेश में ही खोल लेता हूँ, भारत तो बिक जाएगा। एनडी भैया ने अपना काम कर दिया था, पर एनडी भैया के आर्टिकल के कुछ ही महीनों बाद बांग्लादेश आईएमएफ के पास गया और बोला देखो हमारे देश बेल आउट की स्थिति में है, प्लीज हमें थोड़ा सा लोन वोन दे दो। फिर आईएमएफ ने $4.5 billion दिए और उस देश को बेल आउट होने से बचाया। और ये भाई साहब कह रहे थे कि ये देश इंडिया को पीछे छोड़ने वाला है। तो इस बात पे एक शेर याद आया है, अनिल कपूर की एक फिल्म थी, नाम था उसका तेजाब। अनिल कपूर की एक फिल्म थी, नाम था उसका तेजाब। एनडी भैया के आर्टिकलों पे कर दो सबके सब लाइक। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। एनडी मुखर्जी ने चीन से वैक्सीन लेने के लिए ना ब्लूमबर्ग में ये आर्टिकल लिखा और इसके बाद एनडी भैया बोले हे कार्ल मार्क्स, जैसे हम लोग हे भगवान बोलते ना वैसे इनके मुंह से निकलता हे कार्ल मार्क्स। तो एनडी भैया बोले देखो हे कार्ल मार्क्स, मैं तुम्हें कोई चैलेंज थोड़ी कर रहा हूँ कि मैंने ये लिख दिया तो तुम्हें इसने बदलना ही होगा। यार कार्ल मार्क्स आप तो मतलब कतई मेरे पीछे ही पड़ गए हो यार, प्लीज इस बार मत बदलना। फिर भाई ने दूसरा आर्टिकल लिखा, इस बार बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा, भारत की वैक्सीन पॉलिसी फेल हो चुकी है, अब भारत को चीन से वैक्सीन खरीद लेनी चाहिए। भारत के बस की कुछ भी नहीं है। अब भैया भारत में तो ये सब कुछ हो रहा था तो बाहर के पब्लिशर्स भी छापने लग गए कि चीन की वैक्सीन आहा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स ने छाप दिया कि भारत में पाए जाने वाले वेरिएंट पर सबसे अधिक इफेक्टिव चीन की वैक्सीन है। द वायर ने बताया कितना बड़ा अनर्थ कर रही है भारत की सरकार चीन से वैक्सीन ना लेके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में अग्नि घोष, इन्होंने मैडम ने लिखा मोदी को अब अपना प्राइड ना सटक जाना चाहिए और चीन से कोरोना वैक्सीन ले लेनी चाहिए। ऐसे में क्विंट भी कहां पीछे रहने वाला था। भाई साहब पूरा मोमेंटम बनाया गया कि देखो देखो इस अत्याचारी फासिस्ट को, चीन से वैक्सीन नहीं खरीद रहा है। और भाई साहब इस कैडे आदमी ने फिर भी नहीं खरीदी। इस पे एक शेर याद आया है, नहीं खरीद रहे तुमसे वैक्सीन ना हाथी ना घोड़ा, नहीं खरीद रहे तुमसे वैक्सीन ना हाथी ना घोड़ा, अब मत बोल दियो नहीं तो फेंक के मारूंगा चौक। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो भाई अब इन अजब प्राणियों ने अलग लेवल का गेम शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की इंद्राणी बागची बोस्ट करने लग गई, देखो चीन ने 20 मिलियन वैक्सीन एक दिन में लगा दी। सभा नकवी ने कहा कि चीन ने 20 मिलियन वैक्सीन लगा दी है एक दिन में, इसे डाइजेस्ट कर लो। नहीं बहन हम कहा डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हम तो पीछे सो रही है, हमारे तो है, हमारे तो खट्टी डकार आ रही है। तेरा ही हाजमा बढ़िया है, हॉस्पिटल में थोड़ी पैदा हुई तू, तो हाजमोला कैंडी में तो निकली, वार ने रैपर खोला और यहाँ तक आ रही, यू तो सभा है। कांग्रेस ने भारत पे विश्व गुरु वाला तंज कसना शुरू कर दिया, देखो चीन 15 मिलियन वैक्सीन एक दिन में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने चीन को एक बढ़िया सा इन्फोग्राफिक बना के प्रेज किया और कहा कांग्रेचुलेशंस चाइना, तुमने 200 मिलियन वैक्सीन लगा दी, वाओ। पर भाई साहब उसी दिन ना भारत ने एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाई थी, भारत को कोई कांग्रेचुलेशंस नहीं इन लोगों के द्वारा। हमने सोचा भाई इनकी सोच बड़ी होगी, जब हम 200 मिलियन करेंगे तब हमें कांग्रेचुलेट करेंगे, पर जब हमने किया इन्होंने तब भी नहीं किया। ये देखो स्वाति चतुर्वेदी मैडम को चीन के 20 मिलियन को दिखाकर कह रही थी सीखा कुछ, सीखा इससे सीखा कुछ तो सीखा। फिर चीन में कोविड आउटब्रेक हो गया तो कह रही हैं चीन से क्या सीखना, चीन से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनके पास तो ना नीति है ना वैक्सीन, कैसे कर लेती है मैडम आप ऐसा। मेरी तो आंखों के सामने भाई साहब डेजा वो हो गया था, मैंने कहा अरे स्वरा भास्कर बनना चाह रही है मैडम। मैं कसम खा के कह रही हूँ मैं काफी जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन न्यूयॉर्क इस्तांबुल पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। एंड व्हाई शुड वी होल्ड अप पाकिस्तान इज लाइक अ फेलिंग स्टेट। ये मतलब कुछ वैसा है जैसे आपके पिताजी आपको खूब कूट दें मार मार के बेल्ट है बेल्ट क्योंकि आपके 57% आए हैं और शर्मा जी की बेटी के 97%, फिर 2 महीने बाद पता चलता है कि शर्मा जी की लड़की तो भाग गई। आपके पिताजी सबको कह रहे हैं उस लड़की के चाल चलन पहले से ही सही नहीं थे, मैंने तो अपने टिल्लू को कभी उसके इन्फ्लुएंस में आने ही नहीं दिया, और आप पापा को ऐसे देख रहे हो, अरे पापा क्या बोल रहे हो। तो चलिए इसको बारीकी से समझने के लिए हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास, जो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें देख के लगता है अरे ये भी पर्सनैलिटी है, जिन्हें लगता है अडानी ने टीवी चैनल इसलिए खरीदा क्योंकि इन्हें रास्ते से हटाना था, जिन्हें लगता है कि भैंस इसलिए दूध देती है ताकि उसका घी बने और घी से इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़े और ये रास्ते से हटा जा सके इन्हें,
सब सोची समझी प्लानिंग है भाई साहब। उस दिन बारिश हो गई, भाई बोला ये प्लानिंग है। मैंने पूछा किसकी, बारिश की? तो बोला नहीं बारिश की नहीं, मोदी की। मोदी ने बारिश कराई है, अब कीचड़ होगी, कीचड़ से फिर मैं फिसल जाऊंगा, मुझे रास्ते से हटाने के लिए बारिश कराई गई है। तो स्वागत करिए किलेश कुमार का। तो किलवेश जी, चीन में दूसरी बार कोरोना विस्फोट हो चुका है, अब पूरे विश्व में संक्रमण फैलने का पूरा पूरा खतरा है, आपका क्या कहना है इस पे? ये सब साजिश है मेरे आगे। कैसे? गौतम के पिता को कहा गया कि तुम गौतम की माता से विवाह कर लो ताकि गौतम पैदा हो। गौतम को अमीर बनाया ही इसलिए गया कि वो मुझे NDTV से निकाल सके। मतलब आपके अगेंस्ट प्लानिंग मोदी जी ने तब कर दी थी जब वो चाय बेच रहे थे। उससे भी पहले से मोदी जी के माता पिता को मिलवाया ही इसलिए गया कि वो मोदी जी को पैदा कर सके, वो PM बन सके और मेरी जॉब खा सके। है? अब तू पागल वागल है क्या? इसका चीन के कोरोना से क्या लेना देना? मुझे पता चल गया, तेरे माँ बाप की भी शादी इसीलिए कराई गई कि तू मुझे पैदा होते ही पागल बोल सके, सब मेरे अगेंस्ट। अरे भाई कोई लेके जाओ इसको, ये आदमी बात करने लायक नहीं है भाई, लेके जाओ इसे। अब भाई पहले वाला जब कोरोना फटा था तो चीन भर बहुत उंगलियां उठी थी, पर चीन को बचाने के लिए रवीश कुमार जी ने प्राइम टाइम बना दिया था। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चीन की भूमिका को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन वहां के एक अफवाहबाज अखबार ने खबर छाप दी। अपनी तरफ से एक फर्जी बिल बना दिया कि जर्मनी को 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है COVID-19 के कारण, चीन इसकी भरपाई करे। अब ऐसी खबरों का कोई क्या संज्ञान ले। भारत में अगर ऐसी खबरें छपी हुई मिले, चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले, तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। चलो ठीक है भाई, जैसा आपको सही लगे। 11 अप्रैल 2021 को चीन के टॉप ऑफिशियल्स ने मान लिया कि चीन की वैक्सीन इनइफेक्टिव है। आधिकारिक रूप से नहीं, पर अनाधिकारिक रूप से तो मान ही लिया, पर फिर भी उसी वैक्सीन को चाइना में लगाते रहे। और भारत में मई में, अप्रैल में ये लोग मान चुके थे, और भारत में मई के महीने में 2021 में ही चीन की वैक्सीन की लॉबिंग शुरू हो गई। वो जितने सारे आर्टिकल्स मैंने दिखाए थे सब के सब मई या उसके बाद के लिखे गए हैं कि चीन की वैक्सीन ले लो, चीन की वैक्सीन ले लो, चीन की वैक्सीन ले लो। अब ये बताओ बिना किसी लॉबिंग के क्या ये पॉसिबल था? तो इस बात पर एक शेर याद आया है, इतनी मत चाटो किसी के मुंह का बदल जाए स्वाद, इतनी मत चाटो किसी की के मुंह का बदल जाए स्वाद, तुम्हें देखकर हर कोई कहने लगे मुंह खोल आ रहा है गुलाब जामुन। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। जो बात 11 अप्रैल को चीन के टॉप ऑफिशियल्स ने अनाधिकृत तरीके से मान ली थी, वो बात विश्व को पता लगते लगते 2022 समाप्त हो गया। अब जब सबको लग रहा है कि चीन की वैक्सीन पूरे विश्व के लिए प्रॉब्लम बन गई है, ग्लोबली 35 लाख नए केसेस आए हैं पिछले एक सप्ताह में, 13 नेशन ऐसे हैं जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में नए केसेस आए हैं, चीन की वैक्सीन फेल हो गई, तो चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अर्थात फोर्स लॉकडाउन लगा दिया मार्च के महीने में 2022 में। इसका विरोध करने के लिए वहां के लोगों ने ना जिम्मी जिम्मी आजा आजा इस पे रील बनानी शुरू कर दी। जिम्मी जिम्मी आजा आजा का अर्थ चाइना में था कि भाई चावल खत्म हो गए, ये लॉकडाउन हटा लो, उसका विरोध प्रदर्शन था एक्चुअली। उसके बाद वहां के लोग सड़कों पे निकल गए प्रोटेस्ट करने के लिए। भाई साहब इसका अर्थ समझ रहे हो आप? ये हमारे जैसा नहीं है कि शाहीन बाग में जब मन किया तंबू बंबू काट दिया। इसका अर्थ है अब हमने मौत से डरना छोड़ दिया है। इस बात पे एक शेर याद आया है, मरना कौन चाहता है पर मारने के लिए जला रखी है तुमने भट्टी, मरना कौन चाहता है पर मारने के लिए जला रखी है तुमने भट्टी, तुम्हारी वैक्सीन देखकर निकल गई सबकी जान। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। चीन की वैक्सीन की लॉबिंग चल रही थी, पर इतने में भारत ने अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दी। इन्होंने भारत की वैक्सीन को रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया, पर वो जानने से पहले हम थोड़ा सा और ज्ञान इसी में ले लेते हैं ग्राम दर्शन में। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी बोलो सरकार डर गई, लोगन ने पूछो किस तय, राहुल बोला मौत है मेरी यात्रा तय, लोग बोले अरे बोले कहा हंसे, कई घंटा तक हंसते रहे ससुरे, चाचा दीपू की तो हंसी ना रुक रही, उन पे तो वाटर कैनन चलवाई गई जब जाके माने। भारत में पाकिस्तानी फिल्म मौला जट रिलीज हो रही है, या कि एक एक्टर हमजा अली अब्बासी ने हाफिज सईद की बड़ाई करी और सपोर्ट करो, माहिरा खान ने 370 हटने पे
यू ट्वीट लिखो, अनुराग ठाकुर के कानून पे कोई जू लीक कॉकरोच खटमल कुछ ना रेंग रहो, फिर हमने वीडियो बनाई फिर रेंगो। अब खेल समाचार, मेसी की फोटो अर्जेंटीना की नोटन पे छपेगी, आईपीएल में इंग्लैंड के खिलाड़ी सबसे महंगे बिके, ये सुथरे अंग्रेज आज भी भारत लूट लूट के खा रहे हैं, पाकिस्तान के फैन आईपीएल के ऑक्शन देख के बोले हैं इतना पैसा। अब जाते जाते मौसम के आले भी ले लिए, जाड़ो हो रहो बढ़िया वारो, मतलब बात गैल ऐसे हाथन में करनी पड़ रही है जब जाके टाइम कट रहा, और ऐसे में सिंगल लौंडा उनको तो कहा ही गए। चलो मैं चलूं, तुम कुआं पड़ो मौका। अब भाई एक और देश में परोसा जा रहा था चीनी वैक्सीन ले लो, चीनी वैक्सीन ले लो का बवासीर, और दूसरी ओर फैलाया जा रहा था कि भारत की वैक्सीन खराब है का विश, मतलब जो वैक्सीन चीन के टॉप ऑफिशियल्स मान रहे हैं कि इनएफेक्टिव है और बाद में जिसके कारण पूरा बवासीर हो गया वो इन गधे के बच्चों के लिए अच्छी है और वही चाहिए इन्हें, और उसके लिए ना भाई साहब भारत की एक जनता नेपाल जाके उसको लेके आई है, उधर से भारत के टॉप ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हमारी वैक्सीन एकदम बढ़िया है, पर उसके लिए लोग तैयार नहीं थे, उसके लिए वो कह रहे थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है ये थोड़ी लगवाएंगे, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। फिर सेकंड वेव में भाई ने लगवा ली, संदीप सिंह व्हाट द फक से साडा हक तक आ गए, हम लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे, आपको भी लेकर लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा, दिक्कत है तो नहीं लगाऊंगा, कोई दिक्कत है तो मैं आपको आपको हेल्प भी करूंगा लगवाने में, मैं लगाऊंगा ही नहीं, ये टीकाकरण मुझे क्यों ना दिया जाए और मुफ्त में क्यों ना दिया जाए। सतीश आचार्य ने इतने कार्टून बनाए कि नहीं नहीं भारत की वैक्सीन खराब है मत लगवाना, फिर थोड़े ही दिन में खुद जाके लगवा ली, समझ में नहीं आ रहा था कार्टून कौन है, फिर भाई साहब ने वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन कर दिया, हु इज गोइंग टू गेट हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड विद अ वैक्सीन वेयर देयर क्वेश्चन मार्क्स ऑन इट्स रिलायबिलिटी, और स्वाति चतुर्वेदी ने खुला कह दिया कि भारत बायोटेक पर भरोसा ही नहीं है, प्रशांत भूषण ने कहा कोरोना तो खुद ही मर रहा है उसके लिए इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, हैं? ये मोदी भी नहीं समझ सकता कुछ भी, इसको आता ही नहीं है कुछ, इनको आता ही नहीं है, इनको पड़ी ही नहीं है। सागरिका को हमारी वैक्सीन पे कॉन्फिडेंस नहीं था, समाजवादियों को लग रहा था कि वैक्सीन से नपुंसक बन जाएंगे, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह देंगे कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। द वायर ने लिखा कि भारत ने दो वैक्सीन बना दी इससे साइंस मर गई, अरे भैया साइंस में। तो भाई साहब ये जो चीन में हो रहा है ये चीन की चाटने का ही रिजल्ट है, उनको तब बताया होता तो उन्होंने कुछ संज्ञान लिया होता, पर क्या ही कर सकते हैं। अब भाई 2008 में युवराज जी ये साइन करेंगे, राजीव गांधी ट्रस्ट में फंड आएगा, तो कुछ तो इन्हें भी करके दिखाना होगा। ऊपर से कम्युनिस्टों का अलग है, उन्होंने तो भारत चीन का युद्ध जब हुआ था तो उस समय फतवा निकाल दिया था कि कोई भी भारतीय आर्मी को ब्लड डोनेट नहीं करेगा, भारत की आर्मी वाले चाहे मरते मर जाओ पर ब्लड कोई डोनेट नहीं करेगा। वीएस अच्युतानंद उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे केरल के, तो उन्होंने भारतीय जवानों के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की मात्र बात करी थी। तो उन्हें इस बात करने के लिए ना पार्टी से और चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया था। आप कह रहे हो कि भाई साहब ये लॉबी नहीं करते हैं, तो इसी बात में एक शेर याद आया है, हमें क्या तुम चलाओ गाड़ी या चलाओ स्कूटर, हमें क्या तुम चलाओ गाड़ी या चलाओ स्कूटर, भारत से गद्दारी मत करो नहीं तो फट जाएंगे तुम्हारे बम। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ, मन में तो हुआ। तो भाई